जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ संपन्न। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी संपूर्ण समाधान में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका निस्तारण समयांतर्गत किया जाए। बरेली 21 जनवरी जिलाधिकारी श्री शिवाकांत की अध्यक्षता में आज जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 89 शिकायतें प्राप्त हुई। मौके पर 6 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी संपूर्ण समाधान में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका निस्तारण समयांतर्गत किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिस शिकायत का निस्तारण किया जाए उस शिकायत से संबंधित शिकायतकर्ता संतुष्ट है या नहीं। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ता लच्छा देवी पुत्र श्री लालाराम निवासी ग्राम करतोली तहसील फरीदपुर ने बताया कि उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, वो खुले में पन्नी डालकर रह रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डूडा को निर्देश दिए कि प्रार्थी को शीघ्र आवास उपलब्ध कराया जाए। एक अन्य शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पुत्र श्री झावराम निवासी फरीदपुर ने कहा कि उनके गांव में सैकड़ों अनिराश्रित गाय घूम रही हैं जो किसानों की पूरी फसल को नष्ट कर देती है, जिस पर जिलाधिकारी ने पशु चिकित्साधिकारी को आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में रखने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश कुमार चौरसिया, उप जिलाधिकारी फरीदपुर श्रीमती पारुल तरार, परियोजना निदेशक श्री तेजवंत सिंह, तहसीलदार श्री शेर बहादुर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।